नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए जल्द ही आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी 2019 की एग्जाम लगने वाला है, जिसे देखते हुए आपको लगातार हम पिछले सालों के हल प्रस्तुत करा रहे हैं। साथ साथ शाम को 4 बजे आपको हम नए पैटर्न पर आधारित आपको 50-50 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन प्रश्नों सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज का देखिए हमारा 43 नंबर पार्ट है। इसके पहले आपको 42 पार्ट दिए जा चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऊपर आई बटन मिल जाएगी। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां से आपको देखने मिल जाएगी। देखिए ये 50 प्रश्नों की सीरीज है, आप लोग प्रयास कीजिए आप लोग इसमें से कितने पे सही कर पा रहे हैं। देखिए बहुत से मित्र मेरे चैनल के माध्यम से नए आते, जिन्हें वीडियो की इन्फॉर्मेशन और अपडेट नहीं मिल पाती हो, क्या कीजिए, यहाँ पर आपको ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसको दबाकर लाल से काला कर दीजिएगा और बगल में लगी हुई बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते आज के हम लोग पहले प्रश्न की ओर। ये देखिए हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज है। वीडियो के लास्ट में आप लोग अपने स्कोर कार्ड जरूर बताएगा, इन 50 प्रश्नों में आप लोग कितने पे सही कर पाए हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? कार्डिफ, एडिनबर्ग, डब्लिन या फिर न्यूपोर्ट? आपको जवाब देना है। हम आपको 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, ताकि आप थोड़ा सोच सकेंगे आयरलैंड की राजधानी क्या है। इसका सही ऑप्शन है डब्लिन है, याद रखिएगा आयरलैंड की राजधानी। आप लोग ज्यादातर याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है आज का, आपसे पूछा जा रहा पीतल के घटक क्या है, मतलब कि पीतल किससे किससे मिलकर आपका बना होता है, बताइए पीतल किससे मिलकर बना होगा? क्रोमियम, निकिल, लेड, टीन, तांबा टीन या फिर तांबा और जस्ता? इसका सही ऑप्शन है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है पीतल। याद रखिएगा मिश्र धातु के रूप में कार्य करता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, आपसे पूछा जा रहा नागपुर किसके लिए फेमस है? सेब के लिए, संतरे के लिए, केसर के लिए या फिर जूट के लिए? किसके लिए नागपुर फेमस है? सही ऑप्शन इसका है संतरे के लिए, नागपुर फेमस है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, आपसे पूछा जा रहा आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं, मध्यम होते हैं, स्थिर होते हैं या फिर न्यून होते हैं? आयनिक जो बॉन्ड बनता है आपका, बताइए कैसे होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक? इसका सही ऑप्शन है उच्च होते हैं, मतलब हाई अगर आप गलनांक देंगे क्वथनांक देंगे तभी वो टूटते हैं। देखिए इसके बाद बात करेंगे सहसंयोजक बॉन्ड की, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निम्न होता है। तो याद रखिएगा आयनिक यौगिक के उच्च होते हैं और जो आपका सहसंयोजक है, जो आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका जो गलनांक और क्वथनांक है निम्न होता है। ये भी प्रश्न आ चुका है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला अपना सुनाया था, जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ निम्न में से क्या नहीं कर सकते हैं, बताइए चुनाव के समय क्या नहीं कर सकते हैं? अशांति या दंगों की स्थिति में पुलिस को बुलाना, या फिर जाति समुदाय धर्म भाषा के आधार पर वोट मांगना, या फिर ट्रैफिक को बाधित कर वोट प्राप्त करना, या फिर मतदाता चिन्हों का प्रदर्शन, क्या नहीं कर सकते हैं? जो अब की बार चुनाव हुआ उसमें काफी ध्यान रखा गया है, बहुत पर प्रतिबंध लगाया गया था, जाति समुदाय धर्म भाषा के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, तो इस पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, केवलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया था, बताइए 4 में किया था, 5 में किया था, 3 में किया था या 6 पे किया था? बायोलॉजिक क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका सही ऑप्शन है 6 में किया था। तो 6 वो किस किस में थे आपके? बैक्टीरिया में किया था, प्रोटोजोवा और क्रोमिस्टा में किया था, प्लांटी फंगी और एनिमिलिया में किया था, 5-6 में किया था, और हिटकर महोदय ने 5 में किया था। तो वो हिटकर महोदय वाला भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें होती है क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर गतिज ऊर्जा, बताइए क्या होती है? यदि कोई भी आपके गोली लगती है आपके अंदर, तो अंदर तुरंत चली जाती है, शरीर के अंदर चली जाती है। इसका सही ऑप्शन उसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण वो आपकी दूरी तय करती है लंबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम आपको बताना है, आप लोग बताइए इसका क्या नाम हो सकता है? स्थानांतरित कृषि, मैंने आपको कल अगले पिछले वीडियो में इसको पूछा था आपसे, तो आज इसका आंसर आपको दे देते हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, आपके जो पूर्व साइड के राज्य हैं वहां पर यह कृषि काफी मात्रा में होती है। इसमें जंगल के वनों को जला करके और उसके बाद वहां पर खेती की जाती है, फिर उसके बाद जब उस खेती को वहां की जो जमीन होती है अनुपजाऊ हो जाती है, उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो उपजाऊ हो जाती है जमीन और अगली जगह फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं, तो स्थानांतरित कृषि कहलाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली खेती कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नौ नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, अधिक सांद्रित H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर इथेनॉल गर्म करने पर इथेनॉल के निर्जीकरण से क्या प्राप्त होता है, बताइए। केमिस्ट्री का बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बताना पड़ेगा इसका। देखिए इथेनॉल, सबसे पहले इथेनॉल आप लिख लीजिए, C2H5OH होता है इथेनॉल, इसको आपको गर्म करने के लिए कह रहा है, तो किसमें टूट जाएगा, ये C2H4 में टूटेगा, तो क्या बनेगा C2H4, और इसके बाद H2O बनेगा और SO2 निकल जाएगी। तो मेन आपका क्या है, C2H4 है जो आपका इथीन का काम करेगा, क्योंकि इसमें दो सी हैं तो इथीन का काम करेगा, अगर एक सी होता तो मीथीन का काम करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस नंबर प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत धारा कौन सी है जिसमें आप तापित करते हैं, सूक्ष्म तरंग में, विद्युत हीटर में, विद्युत पंखा में, या फिर विद्युत घंटी में। देखकर आपको समझ में आ रहा होगा किसमें आप ताप देख सकते हैं, तो विद्युत हीटर में आप ताप देख सकते हैं, बाकी विद्युत पंखा में तापी नहीं होता, उसमें विद्युत घंटी में तापी नहीं होती है, तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत हीटर, जो आपके घरों में हीटर आप लोग प्रयोग करते हैं ना, यही आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, एक फूल के पराग कोर से वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, बताइए। एक फूल के पराग कोर से जब निकल करके वर्तिकाग्र की ओर जाते हैं परागकण, तो उसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, इसी को कहते हैं ना हम लोग स्वपरागर परपरागर, तो ये परागण की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा ऊतक खाद्यों से, जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, जड़ों से मतलब कि जड़ से ले जाएगा खाद्य पदार्थ और जल को कौन सा ऊतक ले जाता है, बताइए। ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोरम, या फिर कैम्बियम। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, और इसको आपको गलत नहीं करना है। जा से जाइलम होता है, जा से जल और खनिज लवण ले जाने काम आपका जाइलम को होता है। बहुत बार मैंने इस क्वेश्चन को कराया है, मेरी उम्मीद यही है कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सही कीजिएगा। फ्लोरम क्या करता है, खाना जब बन जाता है पत्तियों के माध्यम से, तो पत्तियां के जो खाना बनाती है उसको पूरे पेड़ में फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, बताइए। कौन सा नियम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, इसका सही ऑप्शन है जूल का नियम है। क्या कहता है जूल का नियम, जूल का नियम यह कहता है जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत द्वारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन और परिपथ के कणों के मध्य जो टकराव होता है जिससे परिपथ में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। यही नियम था आपका विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, एक कार एक पर्वतीय मार्ग से फिसल कर नीचे गिर गई है। अब देखिए पर्वतीय मार्ग से फिसल रही है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं, तो आपको यह बताना है कि भूमि से टकराने के दौरान तो इसकी गति क्या होगी, बताइए। किस प्रकार से, किस फार्मूले से आप इसको लगा सकते हैं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि गति जब आपकी जो लास्ट स्टेज होगी, मतलब कि u बराबर, तो आपका जो दिया गया है क्या u बराबर आपको निकालना है, और टकराने के बाद जो इसकी गति होगी, अंतिम गति जो आपकी v होगी वो तो जीरो हो जाएगी, तो v बराबर u प्लस at लगा दीजिए, v बराबर u प्लस at। अब आपसे पूछ रहा है टकराने के दौरान, तो इसका मतलब आपका प्रारंभिक वेग इसका पूछ रहा है, क्योंकि लास्ट में तो इसका वेग जीरो हो जाएगा ना जब वस्तु गिर जाएगी, तो u बराबर होता है gt, gt क्या है, जी आपका 10 दिया गया है, और इसके बाद आपसे पूछा गया है 0.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे t को, तो क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा, 7 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर आएगा। चलिए इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको काफी कराए हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस प्रकार के प्रश्नों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है, बताइए। छापर मेला कहां पर लगता है, बिहार में, पंजाब में, उड़ीसा में, या फिर गुजरात में, कहां पर लगता है, इसका सही ऑप्शन है। छापर देखकर आप लोग छपरा बिहार में समझिएगा, ये आपका पंजाब में होता है। छापर एक गांव पड़ता है लुधियाना करीब, तो वहां पर एक गुग्गा पीर की स्मृति में बनाया जाता है, गुग्गा पीर के सर्प अवतार की आपकी स्मृति में मनाया जाता है। भादो के महीने में पड़ता है आपका, लगभग ये सितंबर का महीना पड़ेगा जाकर के, तो भादो के महीने के चौथे दिन पड़ता है ये छापर का मेला, याद रखिएगा, गुग्गा पीर की स्मृति में है, कोई भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। छापर गाँव लुधियाना पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, सिंपल से प्रश्न है, बताइए।
40, 24, 32 या फिर आपसे 23। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है, तो एटॉमिक वेट कितना होगा 140, लगभग दुगना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दुगना होगा, एक अनुमान के तहत आप कह सकते हैं कि लगभग दुगना हो सकता है, तो 40 ही होता है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है समूह 17 का सबसे कम अपक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है। समूह 17 मतलब कि हैलोजन श्रेणी आपसे पूछी जा रही है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। सबसे कम अपक्रियाशील आपको मालूम होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पर अपक्रियाशीलता घटती है, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आने पर अपक्रियाशीलता घट रही है, तो याद रखिएगा कौन सा सबसे कम अपक्रियाशील होगा, तो यहां पर आयोडीन इसमें ऑप्शन पे आपको मिलेगा, वही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न, विभिन्न के बाद क्या भरना है आपको, अपर रूपों, संभारिकों, समवायु पदार्थों या फिर समन स्थानकों के अनुपात का पता लगाना होता है। ध्यान से पढ़िए, कौन सा होता है जीवाश्म काल का एक तरीका है जो जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न, क्या इसका मैं बता देता हूं आपको, इसका सही ऑप्शन है समस्थानिको होता है, आइसोटोप का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, आपने देखा होगा कार्बन का जो C14 होता है जो आपका आइसोटोप होता है, इसका प्रयोग हम लोग कार्बन डेटिंग में करते हैं, तो यही आपसे पूछ रहा है जीवाश्म काल के निर्धारण में हम लोग जो है उसके समस्थानिको का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है वर्गों की संख्या आपको बतानी है, ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, आप लोग पहचानिए इसमें कितने वर्ग हैं, ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको जूम कर देता हूं ताकि आप आसानी से इसको देख सकें, पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, 22, 20, 26, 24 दिए गए हैं, आप जूम करके आप लोग गिनिए, तो आपको 3-4 सेकंड हम आपको समय दे रहे हैं, आराम से आप लोग गिन सकते हैं, और लेकिन सही संख्या बताइएगा, ये सभी प्रश्न आपके गलत बहुत होते हैं, ऑप्शन फिर से देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन नीचे ही देखने पड़ेंगे, 22, 20, 26 और 24 है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको गिनना है, पहले सिंपल से गिन लीजिए कितने आप बना सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, तो 3×9 तो 3 हो गए, 9 यहाँ तक हो गए, इसके बाद ये बनेगा 9×1 10, 10 के बाद 11, 12, 13, 13 ये हो गए, इसके बाद 14वां आपका ऊपर वाला होगा, तो 14 तो बड़े वाले से बन गए जो आपका 14 है, आप छोटे वाले इनको ले लीजिए, इनको ले लीजिए, इनसे 5-5 बनेंगे, देखिए 4 तो ये खुद हो गए और एक अपना बड़ा वाला हो गया, तो 10 इससे और बन जाएंगे दोनों से मिला करके, तो 24 बनेंगे। इस प्रकार से आप लोग देखिए, जरूर नहीं कि हर चीज का आपको फार्मूला मालूम हो, वहां पर आप तुरंत भी कर सकते थे बिना किसी फार्मूले लगा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उम्मीद करते हैं ज्यादा लोगों को सही होगा। 20 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जाए रियाल किस देश की मुद्रा है, बताइए रियाल कहां की मुद्रा है, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, घाना या कंबोडिया। सही ऑप्शन इसका है ब्राजील की मुद्रा है रियाल, याद रखिएगा, और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बहुत बार एग्जाम पूछी जाती है, तो क्या है रैंड है, रैंड, रैंड भी लिख के आ सकता है, रैंड भी लिख के आ सकता है, तो दोनों आप लोग सही कीजिएगा जो भी हो, और घाना के तो आपको मालूम है घानियन सेडी होती है और कंबोडियन की कंबोडियन रियाल होती है, याद रखिएगा, तो रियाल कहाँ की है, ब्राजील की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है देखिए कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल आपको दिया गया 0.04 सेकंड है, तो तरंग की आवृत्ति बतानी है। देखिए प्रश्न काफी सिंपल होते हैं लेकिन न्यूमेरिकल को देखकर आप लोग डर जाते हैं, ये इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बस देखिए आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है 1/T होती है, 1/T होती है, तो आवृत्ति आपसे पूछी है तो समय का उल्टा कर दीजिए, आवृत्ति आपके सामने निकल कर चली आएगी, तो 1/0.04 कर देंगे, तो अगर आप देखेंगे 2 जीरो आपके यहाँ बढ़ जाएंगे, तो इसको जीरो आप हटाएंगे तो 25 इसका आंसर आना चाहिए, 25 हर्ट्ज, आपको मालूम है ना आवृत्ति किसमें होती है, हर्ट्ज में होती है, तो 25 का सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, जून 2017 में नासा ने विश्व का सबसे हल्का उपग्रह लॉन्च किया था जो चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित 64 ग्राम वजन का था, इसका नाम क्या है, बताइए नाम पूछा जा रहा है किसकी याद में आपको इसका नाम रखा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें आपको, ये मैं आपको 2018 का ग्रुप डी का पेपर करा रहे हैं, तो इसमें कलाम सैटेलाइट नाम दिया गया था, याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न आपके बार बार रिपीट हो सकता है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार लॉन्च कर दिया गया तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है
किसके न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। वेग, विस्थापन, शक्ति, संवेग, किसके होने न होने पर किया गया कार्य। चलिए इसको समझाते हैं आपको। इसका सही ऑप्शन है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन नहीं होगा। देखिए, विस्थापन तभी देखा जाएगा जब आप लगातार चल रहे हैं। अगर आप इस स्थान से चले हैं, ए से लेकर बी तक चले हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से लौट कर फिर यहाँ पर आ गए ना, तो आपकी जो दूरी होगी वो जीरो हो जाएगी। विस्थापन आपका उस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहीं पर आप फिर से लौट कर चले आए। आपने वहां से यहां तक कोई कार्य किया, फिर लौट कर वही कार्य किया, आपका विस्थापन अगर जीरो है तो आपकी कार्य होगा जीरो। ये साइंस के दृष्टिकोण से, वैसे तो आपने कार्य बहुत किया होगा, लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से आपका जो कार्य होगा वो जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वर्क का फार्मूला होता है W बराबर F इंटू S होता है। जो S आपका होता है वो विस्थापन होता है। अगर S आपका जीरो हो जाएगा तो जो आपका फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगा और आपका कार्य भी जीरो हो जाएगा। फोर्स आप कुछ भी लगाएंगे, फोर्स तो जीरो नहीं होगा, लेकिन आप फोर्स मान लीजिए कुछ X है, तो वो आपका जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद F इंटू S आपका जीरो हो जाएगा और आपका वर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। चलिए, वही आपसे कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। कथन में कहा गया है, एक होटल के विज्ञापन में लिखा है, अमिताभ बच्चन जी भी अब मैड्रिन ओरिएंटल होटल के प्रशंसक हैं। ये चीज लिखा है विज्ञापन में, विज्ञापन दिया गया है। तो धारणाएं आप क्या निकाल सकते हैं? मैड्रिन ओरिएंटल होटल एक महंगा होटल है, या फिर अमिताभ बच्चन मैड्रिन ओरिएंटल होटल के मालिक है। क्या आपको सही लग रहा है दोनों से, कथनों में से, धारणाओं में से, कथन में से क्या दोनों बातें कही गई हैं? बिल्कुल नहीं, ना तो पहली है ना तो दूसरी है। अब प्रशंसक हैं इसका मतलब कभी खाया होगा तो प्रशंसा कर दी होगी, इसका मतलब ये मालिक भी नहीं हो गए हैं या फिर ये महंगा होटल भी नहीं है। तो ये आप अनुमान लगा सकते थे, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न है। त्रिभुजों की संख्या फिर से आपसे पूछी गई है। आपको ज्यादातर हम सवाल कराने का प्रयास करेंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे, आपको कैसे वहां पर अटेम्प्ट करना है। चलिए ऑप्शन देखिए, फिर जूम करके आपको और अच्छे से दिखाते हैं। 20 दिया है, 26 दिया है, 24 दिया, 28 दिया है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए ऑप्शन को, और अब जूम करके आपको दिखाते हैं आप कितने गिन सकते हैं इसमें से, बताइए। चलिए स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आपको बता देते हैं एक छोटा सा तो फार्मूला आप याद कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार कोई भी आकृति चतुर्भुज में बनी हो, उसके केंद्र से होकर अगर रेखाएं जा रही, कितनी जा रही हैं? 1, 2, 3, 4 केंद्र से होकर अगर चार रेखाएं जा रही हैं तो 4 × 2 = 8, 8 बनेंगे उसके, जो त्रिभुजों की संख्या 8 बनेगी उसके अंदर। अब देखिए, इसके केंद्र से 1, 2, 3, 4 रेखा बन रही है बड़े वाले के, तो इसके 8 बनेंगे। छोटे वाले की बात करेंगे, छोटे वाले में भी केंद्र से 4 रेखाएं जा रही हैं तो उसमें भी 8 बनेंगे। 8, 8, 16 हो गए। इसके बाद 1, 17 हो गया, 1, 18 हो गया, 1, 19 हो गया, 1, 20 हो गया। इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो कितना ऑप्शन में आपको दिया गया है? 20 दिया गया, 26, 24, 28, तो 20 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग किसी भी प्रकार से कर रहे होंगे, लेकिन सही करने का प्रयास कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। 2018 की जानकारी के अनुसार टेनिस में कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं? आपको मालूम है ना कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। कल मैंने आपको करंट अफेयर की पूरी सीरीज दी है 108 क्वेश्चन की, उसमें भी काफी चर्चा की हमने ग्रैंड स्लैम की आपकी। तो पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विंबलडन, चौथा होता है US। तो आपसे पूछा जा रहा है इन 4 ग्रैंड स्लैमों में कितने भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम जीते, मतलब भारतीयों का नाम बताना है आपको, 4 कौन से हैं। तो 4 है, मैंने आपको बता ही दिया, 4 भारतीय हैं। आपको बता देते हैं नाम, आप लोग याद कर लीजिएगा। लिएंडर पेस बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्होंने जीते हैं 10 खिताब जीते हैं। ये लोग मिक्स में खेलते हैं इसलिए ज़्यादा चर्चित नहीं रहते हैं, मिक्स में खेलते हैं। महेश भूपति आपके हैं, 8 खिताब जीत चुके हैं। सानिया मिर्जा आपकी 3 खिताब जीती हैं मिक्स में। रोहन बोपन्ना ने 2017 में फ्रेंच ओपन जीता था, तो वो चौथे बन गए थे। तो 4 ही भारतीयों ने अभी तक आपके ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है, काली मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? आद्र, क्रिस्टलीय, रेंगड़ या फिर भांगड़। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी? ये आपका जो दक्षिण के क्षेत्रों में काफी मिट्टी होती है, काली मिट्टी जो होती है ना, बेसाल्ट के चट्टानों से बनकर आपकी मिट्टी बनी होती है। टिटनेफेरस मैग्नेटाइट का जो काला रंग इसके कारण होता है। और ये आपका रेंगुर मिट्टी या फिर रेंगड़ मिट्टी, दोनों आपको किसी किसी ऑप्शन में लिखा मिलेगा। तो रेंगड़ भी कह सकते हैं, रेंगुर भी कह सकते हैं। ये काली मिट्टी है, कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है, तो इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, सभी तरह से आपको तैयार करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
28 नंबर प्रश्न है, उस संगठन की आप लोग पहचान कीजिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। चार आपको दिए गए हैं, इसमें से एक अलग है। देखिए यूबीआई, एसबीआई, पीएनबी, ये तो सभी बैंक हैं, लेकिन ओएनजीसी जो आपका है ना वो अलग है आपका। ओएनजीसी क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, आयल वाला है आपका, तेल की कंपनी है, तो ओएनजीसी आपका अलग है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार लाइक अवश्य किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न आपके पास आया है, दर्पण का फार्मूला बताइए। मिरर का फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए? मान लीजिए फोकस आप निकाल रहे हैं तो क्या फार्मूला आप यूज करेंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देखकर बताइए किसका फार्मूला आपको सही लग रहा है। इसके अगर सही ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन सही है। याद रखिएगा दर्पण में अलग होता है और आपका जो लेंस होता है उसका फार्मूला अलग होता है। तो दर्पण में 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u होता है, और अगर आप बात करेंगे लेंस में तो ये माइनस की जगह पर जो होता है प्लस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसमें त्रिबंध होता है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किसमें किया गया है बताइए। प्रोपीन, प्रोपेनॉल, प्रोपोनोइक अम्ल या फिर प्रोपाइन। हमने आपको बताया है प्रोपाइन, आइन लास्ट में लगा है, इसका मतलब एल्काइन है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। प्रोपाइन के लिए आपको यूज करने पड़ेंगे कैसे, आप फार्मूला आप देखेंगे, मेथ होता है, एथ होता है, प्रोप होता है, मतलब कि तीन कार्बन होंगे इसमें और एक ट्रिपल बॉन्ड आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, यहाँ पर एच लगा दीजिए, अब आगे आपको एक सी और लगाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप लोग इसका जो है फार्मूला बना सकते हैं। तो क्या होगा, C3H 3 × 6 और 2 कम करते हैं तो अर्थात ये 4 हो जाता है। ये होता है डबल से 2 कम यूज करते हैं इसमें, तो यही आपका फार्मूला होता है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? त्वरण का, जड़त्व का, संवेग का या फिर गति का, किसका मापन कहलाता है बताइए। अगर आप उसका जड़त्व माप लेंगे ना तो वही उसका द्रव्यमान होगा, इनर्शिया जैसे कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जड़त्व तो होता है द्रव्यमान का मापन। 32 नंबर प्रश्न है, कितने उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने गए हैं बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चूज कीजिए इसमें से कितने उपनिषद होते हैं। सबसे पहले आपको यही मालूम होना चाहिए, अगर आपको यही मालूम है तो आप ये प्रश्न कर ले जाएंगे। इसका सही ऑप्शन है 108 उपनिषद होते हैं और 11 उपनिषद जो है मुख्यतः मुख्य माने जाते हैं। अगर आपको 108 उपनिषद भी एग्जाम में याद रहा होगा, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था उनको ये प्रश्न आ गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने थोड़ा सा भी प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया होगा तो वो नहीं कर पाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, कथन में कहा है रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण करता है, मतलब अगर मई में करना है यात्रा तो एक महीने पहले आप करते हैं। धारणाएं ये है कि क्या निकाल सकते हैं धारणाएं, रेल आरक्षण एक महीने पहले किया जा सकता है या फिर मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं बताइए, क्या आपको सही लग रहा है? चार ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे। चलिए इसका सही ऑप्शन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है आपको, क्योंकि देखिए ना कि रेल का जो है आप लोग आरक्षण तो एक महीने पहले कर ही सकते हैं, तो अप्रैल मई में जाना है तो अप्रैल में कर सकता है, लेकिन ये नहीं बताया गया ना कि मुंबई से हैदराबाद के लिए ट्रेन कर रहा है कि कहां से कहां के लिए कर रहा है, ये तो अपनी अवधारणा अपने मन से निकाला है ना, हमें अपना कथन ही सर्वोपरि मानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, काफी बार ये रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था इसमें स्वैच्छिक मांसपेशियों से काफी क्वेश्चन आए हैं, अब आप लोग इसको सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें से मेंढक का कूदना, पेट में भोजन की गति, हृदय का धड़कना, हाथ से लिखना, इसमें से कौन सी गतिविधियां आपकी स्वैच्छिक मांसपेशियों के अंतर्गत आती हैं? उल्टा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सीधा सोचिएगा। स्वैच्छिक मांसपेशियां वो मांसपेशियां होती हैं जिन पर आप अपनी इच्छा जता सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग समझिए। मेंढक का कूदना उसके कूदने पर निर्भर करता है कि वो कब कूदना चाह रहा है, उसकी इच्छा से वो कूदेगा। और हाथ से लिखना आप तभी स्टार्ट करेंगे जब आपकी इच्छा करेगी, अपने आप आपकी कोई भी इच्छा नहीं प्रकट होगी। लेकिन भोजन की गति को आप ना तो रोक सकते हैं ना तो चालू कर सकते हैं, हृदय के धड़कना को आप ना तो बंद कर सकते हैं ना तो चालू कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे। स्वैच्छिक मांसपेशियों में अगर उदाहरण में आएंगे तो मेंढक का कूदना आएगा और हाथ से लिखना, तो ए और डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर है, सीओ का सापेक्ष द्रव्यमान आपको बताना है, चलिए बताइए क्या कर सकते हैं। सापेक्ष द्रव्यमान से मैंने काफी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार करा रहा हूं, S2SO4 का भी हम लोग निकाल चुके हैं, काफी चीजों के निकाले हैं,
तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एटॉमिक वेट लिखना पड़ता है इसका। सी कितना होता है, 6 होता है, 6 का क्या निकालेंगे, 6 का 12 हो जाएगा, और ओ आपका 8 होता है तो 8 का 16 हो जाएगा। 12 और 16 को दोनों को जोड़ लीजिएगा, 28 इसका सही आंसर प्राप्त होना चाहिए आपको। देखिए बिल्कुल सही दिया गया है। अब देखें 12 और 16 भी आपको दिया गया है लेकिन नीचे जोड़ा नहीं गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से आवर्त में केवल गैसें रखी गई हैं, पहले आवर्त में, दूसरे, तीसरे या फिर चौथे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में आवर्त क्या होते हैं, ये वाले जो होते हैं, क्षैतिज रेखा जो आपकी खींची गई होती है आवर्त होता है, और जो लंबवत रेखा खींची गई होती है इन्हें कहते हैं वर्ग कहते हैं हम लोग। तो चलिए बताइए कौन सा आवर्त है। पहला आवर्त आपने देखा होगा, दो तत्व रखे गए, एक इधर हाइड्रोजन रखा गया है और इधर आप देखेंगे ना हीलियम रखा गया होगा। तो ये दोनों जो हमारी हैं गैसों के रूप में काम करती हैं, ये हमारे जो प्रथम आवर्त में आते हैं ना यही दो तत्व आपके आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। तो कौन सा आवर्त है आपका, प्रथम आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, देखिए गलत गलत आंसर इसमें आप लोग लिखेंगे। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है बताइए, वायनाड। देखिए वायनाड आया ना, ये आपका राहुल गांधी का जो क्षेत्र था लोकसभा वाला वो आया वायनाड। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए इसका सही ऑप्शन पहले आप लोग देख लीजिए, कुडनाड है, याद रखिएगा। ये सबसे निम्नतम बिंदु है, निम्नतम का मतलब होता है कि जो ऊंचाई और निचाई, मतलब निम्नतम बिंदु आपसे पूछा गया। कुछ लोग इंदिरा पॉइंट मार रहे होंगे, इंदिरा पॉइंट जो हमारा है सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो दक्षिणतम बिंदु आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे निम्नतम बिंदु, ऊंचाई और आपका जो गहराई में पूछा जाएगा तब आपका कुडनाड आएगा, केरल में पड़ता है, -2.2 मीटर ऐसा कुछ लिखकर इसका आंकड़ा जो आता है, इतना आपके गहराई में है ये कुडनाड का जो, तो यही आपका इसका सही ऑप्शन है। चलिए आज आपको एक नया प्रश्न देखने को मिला होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी रोपड़ फसल नहीं है, चाय, कॉफी, काजू, बाजरा, कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। अगर देखिए आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा ना इसमें, रोपड़ फसल भी नहीं मालूम है, तब भी आप इसमें से आंसर देख करके आप बता सकते हैं इसमें से क्या सही है। ये कहते हैं इसको स्मार्ट तरीका, और जरूरी नहीं है कि आपका सही होने की, 90% आपकी उम्मीदें सही होने की होती हैं। चाहे काफी काजू आपको एक क्षेत्र के लग रहे होंगे, लेकिन बाजरा आप देख रहे हैं ना यहाँ पर आपको डिफर लग रहा है, सिर्फ बाजरा ही आपको डिफर लग रहा है, तो आप इस प्रकार से वो सही कर सकते थे। रोपड़ कृषि क्या होती है, एक बार अगर आप पौधे लगा देते हैं तो अधिक समय तक आप क्या उत्पादन कर सकते हैं उसमें, लेकिन इसमें पूंजी बहुत लगती है, पूंजी बहुत लगती है और श्रम बहुत लगता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब रोपड़ फसलें कौन कौन सी होती हैं उनको याद कर लीजिए आप लोग, चाय होता है, कहवा होता है, काजू होता है, रबड़ होता है, केला होता है, कपास, ये सभी रोपड़ फसलों में आते हैं। अगर इनके अलावा भी कोई भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आपका रोपड़ फसलों में नहीं आएगा, जैसे कि इसमें बाजरा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, स्टार फिश किस समूह से संबंधित है बताइए। चलिए स्टार फिश आपको बताना है, इसको हिंदी में जो नाम कहते हैं तारामीन मछली कहते हैं, तो ये आपका इकाइनोडर्माटा ग्रुप का आता है, तो याद कर लीजिएगा, अगर याद हो जाए आपसे तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए। मानव नेत्र में एक आपका लेंस लगा होता है आपको मालूम होना चाहिए, तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। डबल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है आपके जो मानव नेत्र में होता है, तो आपका जो बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र के रेटिना पर, याद रखिएगा। ये काफी बार मैंने एग्जाम में को अलग अलग तरह से इसको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में से नहीं है बताइए, कौन सा नहीं है। पोटेशियम, रूबीडियम, सोडियम, कैल्शियम, कौन सा ऐसा है जो क्षार धातुओं में से नहीं है, एल्कलाइन मेटल में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, ये वाला कैल्शियम। कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में आता है, ये पहले वर्ग से संबंधित तीनों, ये दूसरे वर्ग में आता है, तो पहले वर्ग की होती है क्षार धातुएं, दूसरे वर्ग की होती है मृदा क्षार धातुएं, तो यही आपका इस वर्ग से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा सत्वर्द कादियान किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, याद हो तो जरूर बताइएगा, सत्वर्द कादियान किस खेल से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है कुश्ती से संबंधित है। एक बार मैंने आपको यह प्रश्न कराया था, अगर कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार उनको मालूम होगा कि सत्वर्द कादियान कौन है, साक्षी मलिक के पति हैं ये, तो ये भी आपको याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 नंबर है, यदि किसी लवण का पीएच जो हमारा है 7 है तो यह लवण कैसा होगा, बताइए कैसा होगा। देखिए 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है, अगर 7 है तो वो आपका क्या होगा, सशक्त अम्ल होगा और सशक्त क्षार होगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए भांगर मिट्टी, रेंगुर मिट्टी और मृणमयी मिट्टी, खद्दर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी आपकी जो होती है वो भागर मिट्टी होती है। देखिए जैसे कि नदी बह रही है, ऐसे नदी बह रही है तो इसके जो आसपास की मिट्टी होती है ना उसको खादर मिट्टी कहते हैं, क्योंकि देखिए नदियां जो अवक्षेप लाएंगी, अगर उफान मारेंगी कभी ना कभी, इसमें जो बारिश का पानी होगा तो ये इधर उधर फैल जाएंगी, तो ये खादर मिट्टी जो होती है ना, ये जो होती है ये नई मिट्टी होती है, फिर से ये नई मिट्टी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके जो क्षेत्र के दूर वाली मिट्टी होती है, जो यहाँ की मिट्टी है, तो इसे कहते हैं भांगर मिट्टी। खादर और भांगर दो प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो दूर क्षेत्र वाली ये पुरानी मिट्टी होती है, यहाँ तक पानी पहुँचने की संभावना बहुत कम होती है कि नदी इतनी तेज उफान मारेगी कि यहाँ तक पहुँचेगी, तो यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ये आपकी भांगर मिट्टी होती है, इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि ये बार बार नई तो होगी नहीं, नई तो आपकी जो होगी खादर मिट्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे क्या कहा जाता है। देखिए यही बात तो श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कही थी कि आत्मा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो मारी जा सकती है, नष्ट की जा सकती है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर जाती है। वही आपका आज का विज्ञान का युग आ गया, उसने ऊर्जा नाम दे दिया है आत्मा को। आपका जो शरीर है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा से चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं ऊर्जा से चल रहा है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम पे कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, क्या छात्र संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, बताइए। जो छात्र संगठन बनाते हैं ना, अपने 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 कॉलेज देखे होंगे, कॉलेज में 7 छात्र संगठन होते हैं, क्या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, आपके क्या विचार है। हाँ, इस तरीके के द्वारा छात्र संगठनों के आक्रामक व्यवहार को रोक सकते हैं, या फिर नहीं, यह छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखेगा, क्या आपको सही लगता है, आपके हिसाब से बताइए। आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, आपको कथन के हिसाब से सोचना है, जो तर्क आप निकाल सकते हैं दूसरा ही आपको सतर्क लगना चाहिए, हाँ नहीं कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि छात्र संगठन बनाया इसीलिए गया था कि छात्र जो हैं आपका लोकतांत्रिक अधिकार रखें, उनको अगर ऊपर से जाकर नीचे से ऊपर से राजनीति में बढ़ना है तो अगर आप वो छात्र होंगे तभी राजनीति को समझेंगे और ऊपर आके राजनेता बनेंगे, तो नहीं, हमें छात्र संगठनों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अब जो छात्र संगठन बन रहे हैं वो आक्रामक व्यवहार के बन रहे हैं, हिंसा हो जाती है चुनावों में, तो वो चीज़ें गलत हैं, तो वो आप नहीं कर सकते, लेकिन बंद नहीं कर सकते आप उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रोड या फिर प्रोटॉन, बताइए किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास तो विद्युत धारा में गति होगी। आपको मालूम है ना, धातु में आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तभी धातु में विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तभी उनमें क्या होता है, विद्युत की कुचालक होती है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आवश्यक है किसी भी विद्युत परिपथ में, अगर आप धारा को, विद्युत धारा को प्रवाहित करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यपगत सिद्धांत से जुड़ा गया है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड सिलिंसबरी या फिर लॉर्ड कनिंग। देखिए 3-4 नाम आपके एग्जाम में प्रयोग होते हैं, एक तो आपका विपगत का सिद्धांत प्रयोग करता है, सब कुछ याद कर लीजिएगा हिंदी वाले जितने भी हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी देता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी याद करिएगा, राज्य हड़प नीति भी याद करिएगा, तो 3 नाम है इसके, अलग अलग आपसे पूछता है, तो आप लोग सभी नाम को आपको याद रखना है कि सभी चीजें एक ही चीजें हैं। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने किया था, अब 3 चीजों के नाम आपको बता दिए हैं तो आप लोग याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा किस अनुपात में होते हैं। चलिए अमोनिया का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, NH3 होता है। आप बताइए इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए पहले, NH3 का कैसे निकालेंगे, N का अलग निकाल लीजिए, 7 होता है तो 14 होगा, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 3 है, अर्थात 1 का होता है 1 तो 3 का होगा 3, तो 14:3 होंगे, क्योंकि 1:3 में है, तो 1 का होता है 14 और 1 का होता है 1 तो 3 का होगा 3, तो याद रखिएगा 14:3 होंगे, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का 50 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? जो सबसे ज्यादा अम्लीय होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 14 होगा, 7 होगा, 1 होगा या 0 होगा? इसका सही ऑप्शन है 0। आपको मालूम है ना, 0 से लेकर लगभग 7 से कम तक अम्लीय होते हैं। अत्यधिक अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान जो होगा 0 हो जाएगा, काफी खतरनाक होगा शरीर के लिए ये। चलिए, यहां तक हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा आप इसमें से कितने पर सही कर पाए। इसका लेवल बढ़िया था, आप इसमें से 30 से 35 भी सही करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा और आप अच्छे प्रयास कर रहे हैं अपने जीएस के सेक्शन पे। तो याद रखिएगा, करंट अफेयर आप लोग साथ साथ पढ़ते चलिएगा, हम भी प्रयास कर रहे हैं जितने आपको करंट अफेयर देने का प्रयास, रीजनिंग के बीच बीच में आपको वीडियो और मैथ के वीडियो हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी मैथ की वीडियो आपको दिए जाएं। तो लगातार हम आपको शाम को 4 बजे तो वीडियो दे ही रहे हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपसे वीडियो में पूछते हैं, उसकी भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगले वीडियो में इसके यहाँ पे चर्चा करेंगे। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह क्या हो सकता है? दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग प्रयास कीजिएगा इसको करने का, यदि नहीं आएगा तो अगले वीडियो हम लोग आपसे चर्चा करेंगे। चलिए, एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा था बोत्सवाना की मुद्रा बताना है आपको, बोत्सवाना की मुद्रा। दोनों क्वेश्चन आपसे बढ़िया पूछे गए हैं, ढूंढिएगा, प्रयास कीजिएगा, नहीं आएगा तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। पूला, डॉलर, डॉम या फिर रियल। कल हमने आपको करंट अफेयर की एक सीरीज कराई थी, उसमें 1-2 प्रश्न में डाउट हुआ था आप सभी लोगों को, तो याद कर लीजिएगा। डिवाइडर इन चीफ जो आपके जो मोदी जी को कहा था वो टाइम्स पत्रिका ने कहा था, तो उसमें सुधार कर लीजिएगा आप लोग। डिवाइडर इन चीफ जो मोदी जी को कहा था टाइम्स पत्रिका ने कहा था। एक संगठन था आपका LTTE संगठन, जो आपका तमिल वाला संगठन था, उसको 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। तो 2 प्रश्न में गलती हुई थी, काफ़ी कमेंट आए थे, हमने उनका जवाब देने का प्रयास किया था, कमेंट बॉक्स से नीचे लिख भी दिया था कि गलती हुई उसको सुधार लीजिएगा। तो जो भी आपको लगा करे कि किसी प्रश्न हमने गलती की है तो आप लोग बता दिया करिए, गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं गलतियां नहीं होती हैं, जल्दी जल्दी में गलतियां हो जाती हैं। जिन प्रश्नों को हम सोचते हैं इनको चेक ना करें तो उन्हीं प्रश्नों में ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये हमारी 50 प्रश्नों की सीरीज थी, आप लोग बताइए आप लोग कितने पर सही कर पाए, आपको वीडियो का लेवल कैसा लगा, और तैयारी अपनी जोरदार होनी चाहिए जब भी आपका एग्जाम लगे, कभी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा ये चैप्टर तैयार नहीं है। चलिए, अगले वीडियो में आप लोग फिर से मिलते हैं, और आप लोग कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।